अब हम टनल में फंसे 41 मजदूरों को बचाने के लिए चलाए जा रहे ऑपरेशन जिंदगी का एक विश्लेषण करेंगे। कोई भी लक्ष्य इंसान के संघर्ष से बड़ा नहीं है, हारा वही है जो लड़ा नहीं। ये कहावत उत्तरकाशी में फंसे उन 41 मजदूरों पर सटीक बैठती है जो 11 दिनों से जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। उत्तरकाशी की सिलक्यारा टनल में फंसे मजदूरों को बाहर निकालने के लिए युद्ध स्तर पर काम चल रहा है। 41 मजदूरों को बचाने के इस मिशन में अब बहुत जल्द गुड न्यूज मिल सकती है। 41 मजदूरों के रेस्क्यू का आज 11वां दिन है और सब कुछ ठीक रहा तो आज या कल सुबह 41 मजदूरों को टनल से बाहर निकाल लिया जाएगा। ऑपरेशन में जुटी एजेंसियां अगले कुछ घंटे काफी अहम बता रही हैं, इसलिए सबसे पहले हम आपको इस ऑपरेशन को लेकर जरूरी अपडेट्स देते हैं। टनल में फंसे मजदूरों को निकालने के लिए ऑगर मशीन से लगातार ड्रिलिंग की जा रही है। टनल में 42 मीटर तक 800 मिलीमीटर का पाइप डाला जा चुका है। तमाम चुनौतियों का सामना करते हुए रेस्क्यू टीम्स मलबे में ड्रिल कर पाइप लगा रही हैं। ड्रिलिंग का काम 67% से ज्यादा पूरा हो चुका है। बड़कोट की तरफ से भी लगभग 8 मीटर खुदाई हो चुकी है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ ने एक ऑडियो कम्युनिकेशन भी स्थापित किया है। माइक्रोफोन के जरिए श्रमिकों से लगातार संपर्क हो रहा है। टनल में फंसे मजदूरों तक खाना भेजा जा रहा है। टनल के बाहर 4 एम्बुलेंसेज हैं, जबकि 35 एम्बुलेंसेज को भी तैयार रखा गया है। इसके अलावा आपातकालीन सेवा 108 को भी अलर्ट पर रखा गया है। हमारी 800 एमएम की पाइप, हम 900 एमएम डायर पाइप के अंदर हम पुश कर रहे थे और वो करीबन 21 मीटर 900 एमएम डायर की पाइप पहले से मौजूद थी, तो 800 एमएम की पाइप भी हमने 21 मीटर तक प्लेस कर दी, पुश कर दिया। उसके बाद हमारी ड्रिलिंग ऑगर मशीन द्वारा वो शुरुआत हमने की रात को करीबन 1:15 बजे और 12:45 1:15 बजे, और अब तक ये मुझे बेहद खुशी है ये आप लोग से शेयर करते हुए कि 3 और पाइप, जो जिसका मतलब है करीब और 18 मीटर, तो 21 प्लस 18 39 मीटर हमारी ड्रिलिंग हो चुकी है और हमने पाइप भी 800 एमएम का उसमें प्लेस कर दिया है। ये ऑपरेशन 11 दिन से चल रहा है, लेकिन अब लगातार 2 दिन से 2 अच्छी खबर आई है। कल यानी मंगलवार को टनल के अंदर फंसे मजदूरों की वीडियो आई थी, जिसमें सभी मजदूर पूरी तरह से सुरक्षित दिखे थे। आज टनल में अमेरिकी ऑगर मशीन से 42 मीटर तक 800 मिलीमीटर का पाइप डाल दिया गया। रेस्क्यू टीम बहुत जल्द फंसे हुए मजदूरों तक पहुंचने वाली है। मजदूरों को टनल से बाहर निकालने के लिए भूवैज्ञानिकों, इंजीनियर्स, सुरंग निर्माण एक्सपर्ट समेत बचाव कर्मियों की टीम जुटी है, लेकिन चुनौतियां अभी तक कम नहीं हुई। सुरंग के अंदर फंसे मजदूरों को ऑक्सीजन, भोजन की आपूर्ति करना एक बड़ी चुनौती थी। इस चुनौती को रेस्क्यू टीम पार कर चुकी है। अब मजदूरों तक खाना पानी आराम से पहुंचाया जा रहा है। दरअसल टनल में रेस्क्यू टीम भारी मशीनों और उपकरणों का इस्तेमाल कर रही है, जिससे टनल में कंपन भी हो रहा है। इससे निर्माणाधीन सुरंग का कोई दूसरा हिस्सा भी ढह सकता है, इसीलिए बहुत ध्यान से ऑपरेशन चलाया जा रहा है। सिलक्यारा टनल में चल रहे रेस्क्यू ऑपरेशन पर राज्य सरकार से लेकर प्रधानमंत्री तक नजर बनाए हुए हैं। आज रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर पीएम मोदी और पुष्कर सिंह धामी की 5वीं बार बात हुई है। पुष्कर सिंह धामी ने भी उम्मीद जताई है कि बहुत जल्द अच्छी खबर आने वाली है। सभी लोग काम कर रहे हैं और कल जहां 6 इंच की पाइप चली गई थी उससे भोजन इत्यादि अंदर जा रहा है, और आज जो मशीन है ऑगर मशीन, वो मशीन काम कर रही है। हमें उम्मीद है कि जल्दी सभी हमारे श्रमिक भाई सकुशल बाहर निकलेंगे। सिलक्यारा टनल में चल रहे रेस्क्यू ऑपरेशन में हर कदम पर चुनौतियां आ रही हैं, लेकिन चुनौतियों के बीच अच्छी बात यह है कि टनल में फंसे सभी मजदूर सुरक्षित हैं। मजदूरों को बाहर निकालने के लिए अब रेस्क्यू ऑपरेशन फाइनल स्टेज में है। सिलक्यारा टनल से मजदूरों को बाहर निकालना वाकई चुनौतीपूर्ण है। हम आपको बताते हैं कि फाइनल स्टेज में जो पाइप्स डाले गए हैं वो कहां तक पहुंचे हैं। जिस टनल में मजदूर फंसे हुए हैं उसकी कुल लंबाई 4531 मीटर है। सिलक्यारा की तरफ से पाइप्स डाले गए हैं, बीच में मलबा है।
इस मलबे में 42 मीटर तक पाइप्स जा चुके हैं और मलबे की दूसरी तरफ श्रमिक फंसे हैं। जिस जगह पर श्रमिक हैं वो 2075 मीटर एरिया है। इसके बाद 470 मीटर वो एरिया है जहां निर्माण होना है। The rescue operation is going very, very well. We've seen Indian Army involved in here. We've seen the engineers from the contractor in there also. They're working to the plan. So they are having one or two issues previously, but from what I've seen so far, it seems to be going very well. We've also provided expert support as well to RVNL. We're now doing there's another option that's being considered at the moment that we're now working to, and this is to do micro tunneling. So at the moment, at the side of the hill, we've now got the micro tunneling beginning. This work is now underway. जी हाँ, मेरा देवर फंसा हुआ है, तो हम उससे बातचीत किए, वो ठीक है, स्वस्थ है और खाना भी उन लोग को मिला है, कोई दिक्कत नहीं है। डॉक्टर भी था वहाँ, डॉक्टर भी बात कर रहे थे, तो उन लोग का स्वास्थ्य भी ठीक है। टनल के ऊपर से भी एक टीम ड्रिलिंग के काम में लगी है। इसके लिए कल रात ही गुजरात से बोरिंग मशीन पहुंची है। इस मशीन को ऊपर ले जाने के लिए एक रोड बनाई गई। पहाड़ पर रोड बनाना अपने आप में एक बड़ी चुनौती है, लेकिन BRO ने इस रोड को सिर्फ 48 घंटे में तैयार कर दिया, जिसके बाद टनल के ऊपर से भी ड्रिलिंग का काम चल रहा है। इसे आप प्लान बी कह सकते हैं। BRO का जो टास्क था, प्राइमरी टास्क, उसका हमें सिलकैरा टनल में एक्सेस रोड देना था जो वर्टिकल ड्रिलिंग के लिए जहाँ से स्टार्ट हो सके। उसके लिए हमने 1150 मीटर का ट्रैक बना के परसों रात को हैंडओवर कर दिया है। जी सर, कितना चैलेंजिंग रहा था, क्योंकि काफ़ी ऊंचाई है और ये जो टेरेन था ये भी काफ़ी मुश्किल टेरेन माना जा रहा था। जिस हिसाब का टेरेन है, BRO इसमें काफ़ी काम कर चुका है। BRO को उस हिसाब से एक्सपर्टीज है ऐसी चीज़ें करने के लिए, और जो टास्क बनाया वो टास्क ऑफ कोर्स बहुत बड़ा था, जो हमने 48 घंटे में कंप्लीट करके 1150 मीटर दिया है। रोड तैयार करने के साथ साथ क्या सर, मशीन के लिए वहाँ पर एक प्लेटफॉर्म, एक समतल जगह भी बनाई जानी थी, उसका काम भी BRO ने ही संपन्न किया? राइट, हमें इसके साथ ट्रैक बनाने के साथ साथ एक पैड देना था जहाँ पे मशीनरी खड़ी हो सके, मशीनरी घूम सके, ताकि दूसरी मशीनरीज भी एक साथ काम कर सके। तो उसका करीब हमने 50x30 मीटर का पैड बना के भी ऑलरेडी हैंडओवर करा है। उम्मीद पर दुनिया कायम है। हर कोई यही उम्मीद कर रहा है कि सभी मजदूर सही सलामत टनल से बाहर आ जाएं। टनल में फंसे 41 श्रमिकों को बचाने के लिए पिछले 11 दिनों से रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। इस खबर पर अपडेट देने के लिए जी मीडिया संवाददाता अंजलि सिंह मेरे साथ जुड़ रही हैं। अंजलि, कहा जा रहा है कि कभी भी श्रमिक टनल से बाहर आ सकते हैं, इसको लेकर आपके पास क्या अपडेट्स हैं? जी देखिए, लगातार हमारी निगाहें जो हैं टनल के इस मुहाने पर ही लगी हुई हैं। 41 लोग इस टनल के अंदर फंसे हुए हैं पिछले 11 दिनों से, और अब माना जा रहा है कि इंतज़ार जो है वो कुछ घंटों का ही बाकी है। यहाँ से तकरीबन 200 मीटर की दूरी पर अगर हम कैमरा के जरिए दिखाएं तो वो मलबा आपको दिखाई दे जाएगा जिसके पीछे ये 41 लोग फंसे हुए हैं, और लगातार अमेरिकन ऑगर मशीन जो है उसकी ड्रिलिंग के जरिए वो एस्केप टनल बनाने की कोशिश की जा रही है, जिसके जरिए मजदूरों तक दूसरी ओर पहुंचा जाए। तकरीबन 57 मीटर का ये पूरा एरिया है, जिसके बाद ब्रेक थ्रू पॉइंट जो कहते हैं वो मिलने की पूरी उम्मीद है। और ऐसे में जो अभी तक अपडेट दिया गया है, 45 मीटर क्रॉस कर चुके थे, उसके आगे का काम जो है वो लगातार जारी है, यानी तक सिर्फ 12 मीटर की डिस्टेंस ही थी जो कवर करनी थी, और इसीलिए अब सभी के अंदर एक उम्मीद की किरण जो है वो जगी है कि अब कुछ ही घंटों का इंतजार होगा जब ये तमाम लोग बाहर सकुशल सबके सामने आएंगे। एक लंबा रेस्क्यू ऑपरेशन ये चला है, और जहां तक बात करें अभी तक की रेस्क्यू ऑपरेशन की डिटेल्स की, तो कई अड़चनें जरूर आई, लेकिन शुरू से यही हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग का जो ऑप्शन है इसको सबसे बेहतर ऑप्शन माना जा रहा था, क्योंकि यहां से डिस्टेंस जो है सबसे ज्यादा कम था। मलबे को छेद कर दूसरी ओर पहुंचना यहां से सबसे कम समय
में संभव था। हालांकि शुरुआत में जब ऑगर मशीन का इस्तेमाल किया गया उसमें कुछ व्यवधान आए, बीच में कुछ ऐसी दिक्कतें आईं जिसके चलते बीच में काम भी रोकना पड़ा था, लेकिन उसके बाद से दोबारा जब बैकअप के साथ इस काम को शुरू किया गया, अलग अलग प्लान्स पर काम करना शुरू किया गया। तकरीबन 6 प्लान यहाँ पर रेस्क्यू के बनाए गए थे, लेकिन इनमें से सबसे कारगर प्लान जो था वो शुरू से सभी विशेषज्ञ बता रहे थे कि यही होगा और इसी प्लान पर कामयाबी हासिल होती हुई दिखाई दे रही है। जी अभी भी कई चैलेंज होंगे जो रेस्क्यू टीम के सामने आ रहे होंगे, इनसे कैसे लड़ा जा रहा है और जो फॉरेन एक्सपर्ट्स वहां मौजूद हैं वो इसको लेकर क्या कह रहे हैं? देखिए, जाहिर सी बात है चैलेंजेस बहुत है और एक बार जब ये रेस्क्यू ऑपरेशन कंप्लीट होता है, टनल के दूसरी ओर पहुंचते हैं, तो सबसे बड़ी कवायद होगी लोगों को सुरक्षित उस एस्केप रूट से बाहर निकालना। तो ऐसे में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की जो टीमें हैं लगातार वो मॉक ड्रिल भी कर रही थी, इक्विपमेंट्स भी सारे यहाँ पर मंगा लिए गए हैं। कोशिश ये होगी कि चूंकि 41 लोग हैं तो उनको सकुशल उस टनल के जरिए बाहर निकाला जाए जो एस्केप टनल यहां से बनाया गया है, तो उसके लिए तैयारियां की गई हैं। एनडीआरएफ ने एक स्ट्रेचर ऐसा बनाया है एक खास, जिस पर कुछ मॉडिफिकेशंस किए हैं, उस पर व्हील्स लगाए हैं, अगर ज़रूरत हुई तो लोगों को उस पर लिटाकर आप उन्हें बाहर की ओर पुल कर सकते हैं, लोग क्रॉल कर भी आगे आ सकते हैं। हालांकि अधिकारियों का ये कहना है कि उस समय पर ये तमाम डिसीजंस जो हैं वो भी लिए जाएंगे, हालांकि प्राथमिकता उन लोगों को भी दी जाएगी रेस्क्यू करने के समय में जो जिनको अगर सेहत से जिनकी को जिनको ज़्यादा दिक्कत है या कुछ अन्य तरह की समस्याएं हैं, तो ऐसे लोगों को प्राथमिकता के आधार पर भी रेस्क्यू किया जाएगा। मॉक ड्रिल में भी आज भी यहां पर मॉक ड्रिल की गई एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम की, और उसी तरह से बिल्कुल जो ये मॉक ड्रिल की गई कि जब असल में रेस्क्यू किया जाएगा तो लोगों को किस तरह से एस्केप रूट से बाहर निकाला जाएगा। तो ये एक सबसे बड़ा चैलेंज होगा कि जब लोग बाहर आ जाते हैं तो उनके स्वास्थ्य को लेकर सबसे पहले जो चेकअप होगा, एक प्रोटोकॉल होगा कि उनको मेडिकल ट्रीटमेंट दिया जाए, उनकी प्राथमिक चिकित्सा की जाए, और उसके बाद उनको डॉक्टर्स की ही जो डॉक्टर्स के साथ ही रखा जाएगा, और उसके बाद आगे ले जाने का जो प्रोसेस है उनको नियरेस्ट हॉस्पिटल ले जाया जाएगा जहाँ मेडिकल चेकअप होगा, प्राइमरी एड दिया जाएगा किसी को किसी तरह की ज़रूरत होती है। लेकिन तमाम चीज़ों के बीच में राहत की सबसे बड़ी खबर ये भी है कि लोगों से संपर्क भी स्थापित हुआ है, एक माइक्रोफोन अंदर पहले ही भेजा जा चुका है जिसके ज़रिए उनसे बात की जा रही है। ज़रूरत का सामान जो है, अच्छे खाने का सामान, ताज़ा बना हुआ खाना भी उन तक अब पहुँचाया जा रहा था, और ऐसे में मेडिकल अपडेट भी लगातार लिए जा रहे थे। तो अब उम्मीद यही की जा रही है कि सभी लोग स्वस्थ तरीके से होंगे, जल्द से जल्द यहाँ से बाहर निकल आएंगे। इस तरह से ये जो पूरा हम कह सकते हैं रेस्क्यू ऑपरेशन है ये आगे बढ़ रहा है, और अब उम्मीद है कि कुछ घंटों के इंतज़ार के बाद ही वो खबर भी हम आपको दे पाएंगे कि किस तरह से आगे की जो प्रक्रिया है, जब यहाँ पर तमाम लोग इकट्ठे होकर निकलेंगे तो प्रशासन के सारे लोग भी उनके साथ मौजूद होंगे। जी श्रमिकों को टनल से बाहर निकालने के बाद कहाँ ले जाया जाएगा, क्योंकि दिन में हमने देखा था टनल के बाहर एम्बुलेंसेस भी पहुंची थी। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर एम्बुलेंसेस की तैयारी कर ली गई है, और जैसे ही लोग बाहर निकलेंगे जाहिर सी बात है सबसे पहले उनका एक मेडिकल चेकअप होता है, एक प्रोटोकॉल होता है जिसको फॉलो करना होता है, मेडिकल निगरानी में उनको रखा जाता है। तो तकरीबन 24 घंटे का मिनिमम टाइम तो होता ही है। हालांकि सभी लोग स्वस्थ हैं जो यहाँ पर मेडिकल टीम से हमने बात की, उनके स्वास्थ्य को लेकर लगातार अपडेट जो है उनसे लिए जा रहे थे। तो ये प्रोटोकॉल के तहत यहाँ पर जो ज़िला अस्पताल है उसको पहले ही अलर्ट पर रखा गया है, और जो अभी तक सूचना मिली है उसके मुताबिक एम्बुलेंस में लोगों को जब एक बार वो बाहर आ जाते हैं उनको यहाँ से एम्बुलेंस में ले जाया जाएगा, और जो नियरेस्ट जो यहाँ पर ज़िला अस्पताल है वहाँ पर उनको रखा जाएगा डॉक्टर्स के मॉनिटरिंग में, और उसके साथ ही ये भी देखा जाएगा कि किसी को किसी तरह की समस्या नहीं है। सबसे ज़्यादा जो चूँकि 11 दिन तक ये लोग अंदर रहे हैं तो उनकी एक काउंसलिंग भी जो है, साइकोलॉजिकल काउंसलिंग अगर कहें तो वो भी करवाई जाएगी, लोगों से बात की जाएगी। इसके साथ ही यहाँ पर मुख्यमंत्री भी जो हैं उत्तरकाशी वो पहुँच चुके हैं, तो ऐसे में वो भी ये भी माना जा रहा है कि जल्द ही वो भी इन तमाम लोगों से मिलेंगे, और इनके परिजन जो हैं उसके बाद उनसे मिलने की जो इजाज़त है वो भी शायद उन्हें मिल जाए। तो इन तमाम लोगों के बीच जब एक बार ये लोग वापस आएंगे अपने लोगों के बीच, तो जाहिर सी बात है कि वो पल जो होगा वो और ज़्यादा खुशी देने वाला होगा उन लोगों के लिए जो लंबे समय से यहाँ पर इंतज़ार कर रहे हैं। अंजलि, हम देख रहे हैं ठंड बहुत ज़्यादा है, ये कितना बड़ा चैलेंज है उन सबके लिए जो वहाँ पर मौजूद हैं।
देखिए जाहिर सी बात है ठंड बहुत ज्यादा है और सबसे ज्यादा चैलेंजिंग उन रेस्क्यू टीम के लिए है जो लगातार यहाँ पर काम कर रहे हैं, दिन रात यहीं पर डटे हुए हैं। और ऐसे में जहाँ तक बात करें टनल में अंदर फंसे हुए लोगों की, तो टनल में यूजुअली जो है टेम्परेचर अंदर जाकर बाहर की तुलना में ज्यादा रहता है, तो यानी वहां पर तो गर्मी रहेगी लेकिन जो लोग अंदर से अब बाहर निकाले जाएंगे तो उनके लिए भी एटमॉस्फेयर जो है वो एकदम से बदलेगा क्योंकि ठंड बहुत ज्यादा है इस समय यहाँ पर। और कोशिश ये की जाएगी कि एक ऐसा एनवायरमेंट उनके लिए भी क्रिएट किया जाए कि कोई एकदम से टेम्परेचर चेंज से किसी की तबीयत में कोई दिक्कत ना आए। लेकिन जो टीम, जैसा मैं बता रही थी आपको कि जो रेस्क्यू में लगी हुई है वो यहाँ पर दिन रात है, यहाँ पर टेंट्स लगाए गए हैं, चाहे वो लोकल प्रशासन के लोग हों, NDRF SDRF की टीम हो, और शिफ्ट्स में काम चल रहा है तो हर शिफ्ट में काम करने वाले अपनी शिफ्ट के हिसाब से आते हैं, तो रात भर ये काम जो है ऐसे चलता रहता है। आज देर रात हो सकती है, रात के 12-1-2 भी बज सकते हैं, लेकिन आज सभी अलर्ट मोड पर रहे। और चैलेंजिंग ज़रूर है ठंड में इस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन करना एक ऐसी जगह पर जहाँ टेम्परेचर इतना कम होता है, यहाँ का स्ट्रेटा इतना चैलेंजिंग है माउंटेन का, लेकिन उसके साथ साथ चूंकि 11 दिन से ये इंतज़ार जो है किया जा रहा है, तो आज ठंड हो या फिर कोई और अड़चन हो वो सब पार करने के लिए तैयार हैं। अब बस एक ही लक्ष्य है कि लोगों को यहाँ से सुरक्षित निकालना है। जी जी अंजलि, वहाँ से रेस्क्यू ऑपरेशन करना जितना चैलेंजिंग है उतना ही चैलेंजिंग वहाँ से रिपोर्टिंग करना भी है। हम उम्मीद कर रहे हैं कि आज इन सभी मजदूरों को बाहर निकाल लिया जाएगा। इन सभी अपडेट्स के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। Z News.